नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। जालौन जनपद के उरई में खाद विभाग की लापरवाही तब सामने आई जब प्रशासन की टीम ने उरई के अलग अलग इलाकों में स्थित गुटखा फैक्ट्री पर छापा मारा और चार गोदामों में तैयार हो रहा अवैध गुटखा, सुपारी व अन्य सामग्री समेत 60 लाख रुपए का माल बरामद किया है, जिसको जिला प्रशासन ने तत्काल सीज करते हुए उसका नमूना भरकर जांच के लिए भेज दिया। अपर जिलाधिकारी परमल कुमार सिंह के नेतृत्व में एसडीएम उरई और खाद्य विभाग की टीम ने सूचना पर जालौन के उरई शहर के बस स्टैंड, विधि महाविद्यालय सहित चार अलग अलग स्थानों पर छापा मारा। इस दौरान टीम ने मौके पर भारी मात्रा में गणेश महादेव ब्रांड के गुटखे बरामद किए। जिला प्रशासन की टीम ने चार गोदामों में छापा मारकर तैयार किया जा रहा पान मसाला, सुगंधित सुपारी, पान मसाले में लगने वाला पाउडर आदि के नमूने लिए। साथ ही मौके से कई कुंतल सुपारी, तैयार किया गया गणेश गुटखा, महादेव पान मसाला भी बरामद किया है। किस चीज की छापेमारी हुई और क्या कार्रवाई? ये एडीएम साहब के नेतृत्व में यहाँ पे अवैध गुटखे जहाँ पे बनते थे उस पे छापामारी की गई है। चार जगहों पे छापामारी की गई है। इसमें तीन जगह पे सील किया गया है माल को और एक जगह कम माल मिला था तो उसको लेकर के हमने सील कर दिया है। सैंपलिंग करा ली गई है खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जो, और लगभग 55 से 60 लाख का माल जिसमें पिपरमिंट का तेल है और वो गुटखा है और खड़ी और किसी सुपारी है और तंबाकू है, ये सब चीज़ें प्राप्त हुई हैं। सर, टैक्स की चोरी भी कर रहे थे ये? अब ये वाणिज्य विभाग को दिया जाएगा इस संबंध में। पहले तो इनकी सैंपलिंग करा करके जो सैंपलिंग में जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद इनके पास न्यायिक कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद बाकी से। सर, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया? वो मजदूर थे जो अंदर वहाँ पे कार्य कर रहे थे कारखाने में, कोई मालिक या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। सर, इतनी बड़ी मात्रा में गुटखा पकड़ा गया है, क्यों इतने अभियान क्यों नहीं चलाया जाता इसको लेकर? नहीं, इसमें समय समय पर अभियान चलता रहता है और इसके पहले भी कई बार चलाया गया था, मेरे द्वारा भी चलाया गया था, एडीएम साहब के द्वारा भी चलाया गया था, आगे भी चलता रहे। थैंक यू सर। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।